हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और कैसे अपने वीडियो को मात्र एक दिन के अंदर में वायरल करवा सकते हैं। लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट वीडियो, आपको इस तरीके को अपनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको लॉन्ग वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक नोट पैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, नोटपैड में मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है और मैंने इसका थंबनेल भी बना लिया है। मैंने कहाँ कहाँ से बनाया है, क्या क्या किया है, मैं इस वीडियो में सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन दिस वीडियो सॉल्व मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये हमारा सभी टैग्स है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिंक को डाल रखा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है और यहाँ पे जो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये मैंने टाइटल के लिए रखा है। नीचे में जितने भी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सभी मेरे ओल्ड वीडियो के लिंक्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का जो है आपको यहाँ पे पहले से ही बना के रेडी कर लेना है अपने नोटपैड में और उसे यहाँ पे सेव करके आपको रख लेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने थंबनेल भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको थंबनेल भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी थंबनेल भी यहाँ पे बना लिया, इसी थंबनेल का मैं यूज करने वाला हूँ। अब मैंने थंबनेल कहाँ से बनाया है मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले वो बता दूँ। मैं इसी चैनल का यूज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, थंबनेल कैनवा वेबसाइट को यूज करके मैंने बनाया है। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको कि मैंने अभी जो थंबनेल बनाया है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेव होगा और यहाँ पर मेरे यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट्स वाले में ये सेव होंगे। देखिए, मैं प्रोजेक्ट्स में क्लिक करता हूँ तो अभी जो मैंने यहाँ पे थंबनेल बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको दिखाया है यही थंबनेल मैंने जो है यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे इसको क्रिएट किया है कैनवा वेबसाइट के जरिए। मैंने कैनवा का यूज़ करके कैसे थंबनेल बनाना है ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और देखिए, मैं टैग में भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। टैग बनाने के लिए मैंने रैपिड टैग्स का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, रैपिड टैग्स के बारे में भी मैंने पहले ही ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। रैपिड टैग्स जनरेटर जो है आपको बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे टैग्स, जो टैग रैंक होते हैं वही टैग आपको यहाँ पे ला के देता है। मैं यहाँ क्रिकेट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, आपको बस एक टाइटल को लिखना होता है और यहाँ पे इस बॉक्स में एक टाइटल को आप लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस टाइटल को लिखा और यहाँ पर आपको एक सर्च बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 15 से 20 टैग आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे जो जो टैग्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं वही टैग्स मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जो टैग्स हमें यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। तो आपको भी यहीं से टैग को उठाना है। अब देखिए, वीडियो को अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको दो बटन दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको अपलोड का, यहाँ से क्रिएट बटन भी दिख जाएगा। दोनों जगह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपलोडिंग में पहुँच जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पहुँच गए। क्रिएट में मैं क्लिक करूंगा तो यहां से देख सकते हैं, क्रिएट में क्लिक करके यहां पे लाइव जा सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। यहां पे देखिए, मैं वीडियो अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे मेरा वीडियो यहां पे सिलेक्ट फाइल जो है उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा जिस वीडियो को हमें अपलोड करना है, जो वहाँ पर मैंने वीडियो को रखा हुआ है उस वीडियो का। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल जो है यहाँ पर मैं बदल दूँगा। तो अभी भी मैंने जो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा वीडियो है। एक बार अगर जो है इसे प्ले करके देख लेना कि यही वीडियो है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रीनेम बटन पे क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको रीनेम कर देना है। और यहाँ पे इस टाइटल को आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर इसे रीनेम करके फिर से एक बार जो है यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। देखिए, मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डॉट्स जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम डॉट्स को हटाएँगे। यहाँ पे देख, फिर से मैं एक बार पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम जो है बैक स्पेस को दबा दिया, अब यहाँ पे हमारा काम करेगा। देखिए कि अब फिर से उस वीडियो को यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा जो हमारा टाइटल से था। यहाँ पे देखिए, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक मैंने जो लिखा है वही टाइटल को यहाँ पर हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक, यहाँ पर ये वाला हमारा वीडियो है। ओपन बटन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे टाइटल अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, जो आपने अभी रीनेम किया है वही टाइटल यहाँ पे फैच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रामर को भी सही कर सकते हैं और यहाँ पे जो है क्लिक कर देना आपको डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, जो पहले से आपने बना के रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जहाँ तक आप जो है कॉपी पेस्ट करना चाहें वहाँ तक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पूरे को कॉपी करूँगा यहाँ से
और डायरेक्ट यहाँ पे आके कंट्रोल भी दबाऊंगा तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। देखिए मेरा पेस्ट हो गया, बस जो है कुछ ही सेकेंड में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे मैन्युअली टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेना है, इसी टाइटल को। देखिए मैं यहाँ पे इस टाइटल को कॉपी करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको थंबनेल वाले में विजिट कर जाना है। सबसे नीचे आपको थंबनेल दिख जाएगा यहाँ पे, और जहाँ पे भी आपका थंबनेल रखा हुआ है उसे भी आप यहाँ से रीनेम करेंगे। देखिए मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमारा रीनेम हो गया है, इससे यहाँ पे थंबनेल जो मैंने बनाया था। और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट को भी सिलेक्ट कर लिया है। प्लेलिस्ट सेलेक्ट करने के बाद डन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेड फॉर किड्स वाला में नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। सो मोर में जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे टैग्स को हम फिट करेंगे। अपना चैनल तो डेफिनेटली आपको टैग में देना ही है, लैंग्वेज भी यहाँ पे टाइप करना है। और हमारा यहाँ पे देखें, जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ से यहाँ तक हमारा टैग है, तो इसे डायरेक्ट कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे आके इसे हम पेस्ट कर देंगे। और ज़्यादा टैग यहाँ पे हो गया है तो एक दो टैग्स को यहाँ से जो है हटा देना है। देखिए हट गया है, अब यहाँ पे जो रेड सिग्नल था वो हट गया है। अब हमारा टैग वाला काम ख़त्म हो गया और जो भी हमें करना था इतना ही करना होता है। उसके बाद एलिमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी आपको लगा देना है कि लास्ट वीडियो के लास्ट में आप क्या दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चैनल को सेलेक्ट किया और बेस्ट फॉर व्यूअर्स यहाँ पे वाला जो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट है वही को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है, ये लग जाएगा। अब आई बटन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आप अपने वीडियो को दिखाना चाहते हैं, कोई भी एक वीडियो को, अपने ही चैनल का वीडियो को, या फिर आप चाहे तो दूसरे के चैनल के वीडियो को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अपने ही चैनल के वीडियो को दिखाना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब वीडियो चलते चलते यहाँ तक विजिट होगा तो वीडियो अपने आप यहाँ पे जो है आई बटन जैसे होता है वहाँ पे फिट हो जाएगा। अब ये कुछ देर के बाद यहाँ पे चेकिंग होगा, यहाँ पे विजिबिलिटी में जाएंगे। विजिबिलिटी में क्या है कि यहाँ पे पब्लिक, अभी डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो अभी तुरंत ये पब्लिश हो जाएगा। और हम चाहे तो कुछ देर के बाद अगर इसे पब्लिश करना चाहे तो शेड्यूल बटन पे जाएंगे और डेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आज 2 अप्रैल है तो यहाँ पे 2 अप्रैल को ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है आपको टाइम ही सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि अभी 4:56 हो रहा है तो इससे आगे वाले टाइम को आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी यहाँ पे PM है तो PM में सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए चार, यहाँ पे मैं 6 बजे अगर लगा दूँ तो ये 6 बजे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें कि पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे इन ये सेट एज प्रीमियर अगर करेंगे तो ये जो है नोटिफिकेशन के लिए सभी के पास पहुँच जाएगा। तो मैं इसी पे इसे सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर है और वे लोग मेरे वीडियो को देखते भी है। तो यहाँ पे शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल में लग जाएगा, सभी को नोटिफिकेशन जाएगा और सभी जो यहाँ पे नोटिफाई कर लेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये 6 बजे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से मैं अपलोड करता हूं और मेरे चैनल पे अच्छी खासी व्यू आ गया है। आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर भी अच्छी खासी यहां पे आते हैं, व्यू भी आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।